हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में दीपावली पर निबंध लिखना सीखेंगे। तो दीपावली पर निबंध इस तरह लिखेंगे, भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं जिनमें हिंदू प्रमुख हैं। भारत में दो प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, एक को राष्ट्रीय और एक धार्मिक पर्व होते हैं। धार्मिक पर्व में दीपावली एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। हिंदू धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि 14 वर्ष वनवास काटने के बाद जब श्री राम अयोध्या वापस आए तो उनके स्वागत के लिए दीपों का आयोजन करके अयोध्या के नगरवासियों ने भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता का स्वागत किए थे। तभी से हर वर्ष दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा। दीपावली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो कि 5 दिनों तक लगातार चलता है। दीपावली के इस 5 दिनों के त्यौहार को सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। दशहरे के बाद से ही घरों में दीपावली की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। घरों की साफ़ सफाई, लिपाई पुताई और सजावट का काम शुरू हो जाता है। सजावट के साथ साथ अपने आस पास पड़ोस सब की सफाई लोग करते हैं। दीपावली एक 5 दिनी त्यौहार है। इस उत्सव में धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज मनाया जाता है। प्रत्येक समाज त्यौहारों के माध्यम से ही अपने खुशी को एक साथ प्रकट करता है। यह त्यौहार दीपों का पर्व होने से हम सभी का मन आलोकित करता है। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। ऐसा लगता है कि आसमान के सभी तारे जमीन पर आ गए हैं। यह दृश्य हम सबके मन को मोह लेता है। दीपावली के दिन ही भगवान राम अयोध्या वापस आए। इसी दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। यह दिन भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी है। यह त्यौहार सभी धर्म के लोग मनाते हैं। इसी दिन विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किए थे। इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी व धन्वंतरी प्रकट हुए थे। काली माता दीपावली के दिन प्रकट हुई थी, इसीलिए बंगाल में दीपावली के दिन ही काली पूजा करते हैं। इसी दिन गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने 25,000 वर्ष पहले लाखों दीपक जलाकर महावीर जी का स्वागत किए थे। यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाए थे। और आज के ही दिन इंद्र स्वर्ग को सुरक्षित जानकर दीपावली का महोत्सव मनाए थे, स्वर्ग को दीपों से सजाए थे। वेदों, पुराणों और साहित्य के अनुसार दीपावली मनाने के अलग अलग बहुत ही मान्यताएं हैं। इसके अतिरिक्त दीपावली मनाने के कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं, जैसे घी या तेल के दीपक जलाने से वातावरण की शुद्धता होती है। दीपक जलने से वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया
और वायरस नष्ट हो जाते हैं और वातावरण की शुद्धता बढ़ जाती है। इसके साथ साथ दीपावली के बहाने घर द्वार, अपने आसपास, अपना परिवेश लोग साफ कर लेते हैं, जिसके कारण वातावरण की शुद्धता और बढ़ जाती है। दीपावली का अर्थ होता है दीप धन आवली। यहाँ दीप का अर्थ दीपक से है और आवली का अर्थ है श्रृंखला, श्रेणी, जिसे माला कहते हैं। दीपावली एक संस्कृत शब्द है। दीपावली के दिन श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी धन की लक्ष्मी है, जिनको खुश करने के लिए लोग अपने द्वार पर रंगोली बनाते हैं और माता का स्वागत करते हैं। दीपावली धर्म का अधर्म पर विजय का सूचक है। यह त्यौहार अंधकार को भगाने का भी सूचक है। धनतेरस के दिन ही लोग खूब खरीदारी करते हैं, मिठाइयाँ, वस्त्र और पटाखे खरीदते हैं। दीपावली के दिन लोग अपने घरों को दीप मालाओं से सजाते हैं, पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार करते हैं। लोग एक दूसरे के साथ सद्भावना पूर्वक मिलते हैं और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं तथा एक दूसरे को उपहार देते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर उनसे मिलते हैं और प्रेम से मिठाइयां पकवान खाते हैं। इस तरह से दिवाली के त्यौहार को हम लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।